दोस्त आ गया तरावियां दा, कादा मसला आ गया तरावियां दा मसला आ गया। हर साल मौलवी सिर पिट पिट अक गए, अहे जी अठ पढ़नियां के भी पढ़नियां है, अगो रमजान होने वाला फिर मसला उभरेगा। मौलवी साहब तरावियां किनियां पढ़नियां चाहिदियां ने, अल्लाह अकबर कबीरा। आइए अम्मा जी ऐशा, तेरी मेरी माँ अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने, नबी अलैहि सलातो वसलाम ने एक दिन तरावियां पढ़ाइया किनिया अठ, किनिया सही उल बुखारी अठ तरावियां नबी पाक ने पढ़ाइया, तीन वितर पढ़ाए, ग्यारह रक्तां बनदी है। कई साडे भाई ना मसीता च एक वितर पढ़ाते हैं, एक वितर रमजान के अंदर, मैं नहीं आंदा पढ़ाने जायज नहीं, लेकिन इहतमाम तीन वितरां दा करिया करो। क्यों? क्योंकि जो वध ना पढ़ सकते कम अज कम घट भी तो ना पढ़ो। तो जिहड़ी तरावियां दे अंदर साडी सजे खबे सोच गई हुंदी है ना, नमाज पढ़द्या कोई कारोबार च जेन चला जाता है, कोई घर च जेन चला जाता है, सोच है ना इंसान की कि जा सकती है। अल्लाह तेरे तीन वितरां की वजह तो तेरी वो जी हल्की पुल्की कुताही होती, अल्लाह भी माफ कर देता है। इस वास्ते एक नहीं तीन पढ़िया करो। हुन नबी पाक ने, नबी अलैहि सलातो वसलाम हजरत अबू सलमा बिन उबैदुल्लाह बयान अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियां पढ़ाइयां, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान व फी गैरही अला इहदा आशराता रकातन। नबी पाक रमजान के अंदर रमजान तो इलावा ग्यारह रकातां तो वध नहीं सन पढ़ते। हाँ रमजान सी खा गैर रमजान, नबी पाक ने किनिया रकातां पढ़िया ने बोलिए, ग्यारह रकात। हजे नहीं समझे दे कदीस और सुनो, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आंद्रे नबी पाक ने सानू रमजान के अंदर तरावियां पढ़ाइया, उन्हां दी तादाद की सी अठ तादाद, तीन नबी पाक ने वितर पढ़ाए। हवाला की सही सही बुखारी, जिहड़ी मैं पहले हदीस बयान की उहदा भी हवाला सुन लीजिए, सही उल बुखारी हदीस नंबर 2013, सही मुस्लिम हदीस नंबर 738। हवाला गलत होए मेरी उह सजा जो चोर की सजा है। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला भी फरमाते ने नबी पाक ने अठ रकातां पढ़ाइया, हजरत अबू सलमा फरमाते ने नबी पाक ने अठ रकातां पढ़ाइया, अम्मा जी आयशा फरमांदियां नबी पाक ने अठ रकातां पढ़ाइया। आज दा मौलवी आंदा अठ नहीं, नबी ने वीर कातां बढ़ाइया ने। मैं अम्मा जी आयशा भी हदीस भी मुकम्मल कर दिया, अम्मा जी आयशा फरमांदियां नबी पाक हुजरे चो एक दिन बार आए ते अठ रकातां पढ़ाइया ते तीन वितर पढ़ा के आका हुजरे च चले गए। दूजे दिन नबी पाक ने फिर इंजी कीता, तीजे दिन फिर नबी पाक ने इंजी कीता। जो तीन दिन गुजर गए तो नबी अलैहि सलातो वसलाम दे सहाबा इकट्ठे हो गए कि आका अलैहि सलातो वसलाम अज भी आउणगे, असी अज भी नमाज पढ़ांगे तरावियां पढ़ांगे। नबी पाक दे सहाबा इकट्ठे हो गए, मस्जिद नबी भरी है, आका अलैहि सलातो वसलाम दा इंतजार करन लग पे। ते इधरों रात गुजर गई, मेरे नबी पाक आउंदे ही नहीं, आका अलैहि सलातो वसलाम तरावियां पढ़ाण ही नहीं आए। उधरों सैरी का वक्त हो गया, तहज्जुद दीआं अज़ानां दा वक्त होया, सहाबा ने नस भज के अपनी सैरी मुकम्मल खा के मुकम्मल करके आए, आका अलैहि सलातो वसलाम दे पिछे आके नमाज फजर दी पड़ी। ते सहाबा आंदे ने सोणिया महबूबा गल की सी, असी रात तुहाडा इंतजार करदे रहे आ, तुसी आए ही नहीं, तुसी तरावियां पढ़ाने वास्ते क्यों नहीं आए? आका फरमांदे ने इन्नी खशी तू औकारी तू आई युक्ता बालैकुमुल वितरो। ओए मेरे सहाबियो मैनू डर पै गया सी, मैनू खतरा लाहक हो गया सी किते चौथे दिन तरावियां पढ़ाने की वजह तो अल्लाह मेरी उम्मत दे उते तरावियां फर्ज ही ना कर दवे। कई साडे भाइयां ने ना यही गल नू जनाब बुनियाद बनाया, तरावियां ते फर्ज ही नहीं, ते जे फर्ज नहीं ते सुन्नत भी नहीं, ते अगर सुन्नत नहीं ते फिर सुन्नत दा अजर रब कोलों क्यों सी लैने आ?